हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टाइम पे हमने आप लोगों को आरएसी में बेल पॉलीमेन या फिर उल्टा ब्रैटन या फिर जूल साइकिल के बारे में बताया था। तो इसमें इसके सीओपी के फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में रह गया था, तो उस डेरिवेशन को हम पूरा डिटेल में कराते हैं आज के टाइम पे। तो पिछले टाइम पे हमने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जब हम बेल पॉलीमेन साइकिल के लिए पीवी और टीएस डायग्राम बनाते हैं, तो ये आपका पीवी और टीएस डायग्राम है। इसमें हमने बताया था जो आपका हीट एब्जॉर्ब होता है वो हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस 4:1 में होता है, और उसकी वैल्यू आपको हमने बताया था हीट एब्जॉर्ब क्यूब 4:1 = Cp T1 - T4। इसके बाद हमने बताया था इस प्रोसेस में कितना नेट वर्क डन यानी नेट कार्य कितना होता है, तो नेट कार्य इक्वल टू निष्कासित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा, और निष्कासित ऊष्मा जो होती है वो आपकी प्रोसेस 2:3 में होती है। तो 2:3 की बात करें, अगर हम प्रोसेस 2:3 यहां पे आ जाए तो यहां पर जो आपका हायर टेम्परेचर है वो T2 है और लोअर टेम्परेचर जो आपका है T3 है। तो यहां पर निष्कासित ऊष्मा आपका होगा Cp T2 - T3। ये बात ध्यान रखना है कि हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को हम माइनस करते हैं। पिछले लेक्चर में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर T3 - T2 हो गया था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे T3 - T2 नहीं होकर बल्कि T2 - T3 होगा। तो ये निष्कासित ऊष्मा Cp = T2 - T3 माइनस अवशोषित ऊष्मा Cp (T1 - T2). अब सीओपी के फार्मूले में Cp = heat absorbed upon work done, हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू Cp T1 - T4 upon Cp T2 - T3 - Cp T1 - T4 है। तो यहां से Cp कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी सीओपी की वैल्यू आ जाएगी वो सीओपी की वैल्यू आपकी आ जाएगी Cp = T1 - T4 upon T2 - T3 - T1 - T4। अब अगर हम यहां पर T4 ऊपर और नीचे T3 कॉमन ले लें और यहां से T4 कॉमन ले लें तो आपका ये रिलेशन चेंज हो जाएगा Cp = T4 - T1 upon T4 - T3 - T2 - T3 - T4 - 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम प्रोसेस 1 से 2 को देखें तो हमें पता है कि हमने 12th क्लास के फिजिक्स में पॉइसन इक्वेशन पढ़ा है, और ये पॉइसन इक्वेशन होता है T1 upon T2 = P1 upon P2 - P2 - γ - 1 होता है। तो उस रिलेशन से हम प्रोसेस 1 से 2 के लिए T2 upon T1 की वैल्यू निकालेंगे प्रेशर के टर्म में, तो यार आपका हो जाएगा P2 upon P1 - γ - 1 हो जाएगा। और प्रोसेस 3 के लिए 3 to 4 के लिए आपका प्रक्रम 3 to 4 के लिए आपका हो जाएगा T3 upon T4 = P3 upon P4 - γ - 1 हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण 2 इसको समीकरण 3 ले रहे हैं। समीकरण 2 और 3 से देखें हम, समीकरण 2 और 3 से आपका यहां पर अगर हम आ जाए इस जगह देखें P2 P3 इक्वल है और P1 P4 के इक्वल है। तो अगर हम इसका यूज कर लेते हैं तो ये राइट हैंड साइड आपके क्या है इक्वल है, तो ऐसे केस में जब राइट हैंड साइड इक्वल होगा दोनों इक्वेशन का तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी T2 upon T1 = T3 upon T4 हो जाएगा। यहां से अरेंजमेंट करेंगे T3 को इधर ले आएंगे T1 को इधर ले जाएंगे तो T2 upon T3 = T1 upon T4 हो गया। अब अगर हम इस मतलब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को देखें यानी T2 upon T3 और T1 upon T4 इक्वल है, तो इस T2 upon T3 की जगह पर हम T1 upon T4 लग सकते हैं, यानी यहाँ पे T1 upon T4 लग देंगे तो T1 upon T4 माइनस ये टर्म यहाँ पे कॉमन होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो COP = आ जाएगा T4 upon T3 - T4, या फिर COP = T4 यहाँ पर T4 कॉमन लेंगे T3 upon T4 - 1 हो जाएगा, T4 कैंसिल, तो सीओपी का फार्मूला COP = 1 upon T3 upon T4 - 1 हो गया। अब हमें यह भी पता है T3 upon T4 की वैल्यू अगर यहां से देख लें तो ये हो जाएगा P3 upon P4 की पावर γ - 1
अपान गामा हो गया और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो सीओपी का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में आ जाएगा। और हमें ये भी पता है P3 अपान P4 और P2 अपान P1 इक्वल होते हैं, तो P3 अपान P4 के हम P2 अपान P1 भी लिख सकते हैं। और ये P3 अपान P4 या फिर P2 अपान P1 ये गामा के इक्वल है। ये गामा है क्या चीज, गामा पी, ये दाब अनुपात के इक्वल है। तो अगर इस यहाँ पे हम गामा पी पुट कर दें तो सीओपी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपान गामा पी की पावर गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1। तो ये सीओपी का फाइनल फार्मूला आ गया। अब इसके बाद अगर हम आपसे बात ये करें कि जो आपका प्रोसेस हो रहा है यानी संपीड़न या प्रसरण प्रोसेस हो रहा है उसको हम पीवी टू दी पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट के अनुसार सपोज कर लें तो आपका क्या होगा उसको हम देखते हैं। यानी हमारा प्रोसेस यदि निकाय या फिर जब निकाय में संपीड़न तथा प्रसरण पीवी टू द पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट के अनुसार हो तो आपका इस केस में हम 1 से 2 प्रक्रम 1 से 2 के बीच में किए गए कार्य की वैल्यू निकालेंगे। तो प्रक्रम 1 से 2 के लिए जो कार्य W1 की वैल्यू होगी वो W1 इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा N अपान N माइनस 1 इन ब्रेकेट R T2 माइनस R T1। यानी W1 की वैल्यू आ जाएगी N अपान N माइनस 1 इन ब्रेकेट R T2 माइनस R T1। ये प्रक्रम 1 से 2 के लिए किया गया कार्य है। सेम इसी तरह से प्रक्रम 3 से 4 के बीच किया गया कार्य, प्रक्रम 3 टू 4 के लिए, प्रक्रम 3 टू 4 के लिए क्या हो जाएगा आपका कार्य W2 इक्वल टू हो जाएगा N अपान N माइनस 1 इन ब्रेकर R। अब प्रक्रम 3 से 4 के लिए आपका 3 से 4 में हम देखते हैं टेम्परेचर T3 ज्यादा है T4 कम है तो आपका R T3 माइनस R T4 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नेट कार्य निकालते हैं यानी कुल कार्य। तो कुल कार्य आपका W1 माइनस W2 होगा। तो कुल कार्य इजकल टू W1 माइनस W2। तो यहाँ W1 और W2 की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें N अपान N माइनस 1 और R पूरे में कॉमन है तो N अपान N माइनस 1 इंटू R अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा N अपान N माइनस 1 इंटू R अगर कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा T2 माइनस T1 और यहां से बचेगा T3 माइनस T4। ये आपके नेट कार्य की वैल्यू आ गई। इसके बाद प्रक्रम 4 से 1 में कितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है उसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू देखते क्या आता है। प्रक्रम 4 से 1 में अवशोषित ऊष्मा प्रक्रम 4 से 1, ये 4 से 1 है, 4 से 1 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में जो आपका अवशोषित ऊष्मा होगा वो सीपी इजकल टू हो जाएगा सीपी T1 टेम्परेचर आपका ज्यादा है T1 माइनस T4। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये आपकी अवशोषित ऊष्मा है और ये किया गया कार्य है। अब यहां से अगर हम सीओपी की वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है कि सीओपी इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा अपान कुल कार्य, यानी सीओपी इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा अपान कुल कार्य। तो अवशोषित ऊष्मा की वैल्यू आपकी है सीपी
इन ब्रैकेट टी वन माइनस टी फोर अपान कुल कार्य एन अपान एन माइनस वन इंटू आर इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर, ये आपका सीओपी की वैल्यू आ गई। अब यहां पर भी इस सीओपी की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिलेशन निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमें ये पता है कि हम 12th क्लास की फिजिक्स में एक हम रिलेशन पढ़े हुए हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो अगर हम उस रिलेशन का यूज कर लें, यानी वी नो दैट सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, और दूसरा रिलेशन हम पढ़े हैं सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट गामा के इक्वल होता है। यहां से अगर हम सीपी की वैल्यू निकाल लें तो सीपी इक्वल टू गामा सीवी हो जाएगा, और सीपी की ये वैल्यू हम यहां पुट कर रहे हैं, यहां पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू आपका सीवी कॉमन है, गामा माइनस वन आ गया। अब ये आर की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इस ऊपर वाले इक्वेशन में यहां पुट करेंगे। अगर हम आर की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो रिलेशन हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। तो यहां पर पुट करने पे सीओपी इज इक्वल टू आ जाएगा सीपी, सीपी की वैल्यू ये पुट करेंगे गामा सीवी, तो यहां पे सीपी की जगह पुट करेंगे गामा सीवी इन ब्रेकर टी वन माइनस टी फोर अपान एन अपान एन माइनस वन। आर की वैल्यू क्या है, सीवी इन ब्रेकर गामा माइनस वन, और आगे इसे पुट कर देंगे तो ये आपका है टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर। हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। अब हम यहां देख रहे हैं सीवी सीवी कैंसिल है, तो इस सीवी सीवी को कैंसिल कर दें और गामा को यहां ला दें, तो आपका सीओपी का फॉर्मूला क्या होगा, सीओपी इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपान एन अपान एन माइनस वन गामा माइनस वन अपान गामा और इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर। तो इस तरीके से हमारा सीओपी का एक फाइनल रिजल्ट आ गया, सीओपी इज इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपान एन एन अपान एन माइनस वन एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में गामा माइनस वन अपान गामा, उसके आगे अगले ब्रेकेट में टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अगर हम यहां पर थोड़ा चेंज कर दें, यानी चेंज ये कर दें कि इस इक्वेशन को ओपन कर दें, ओपन करेंगे तो ये आपका टी थ्री माइनस में हो जाएगा और टी फोर प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम अरेंजमेंट करें, तो अरेंजमेंट करके हम क्या कर सकते हैं इसको देखिए आप लोग। हम यहां से सीओपी के फॉर्मूले को फिर से याद कर रहे हैं, सीओपी इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपान एन अपान एन माइनस वन पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में गामा माइनस वन अपान गामा, उसके बाद इन ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन। अब इसके आगे इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें, यहां से आ जाएगा माइनस टी थ्री और प्लस टी फोर, ये आ गया। अब हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं, अगर इन दोनों को एक साथ रख लें तो क्या आ जाएगा, सीओपी इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर एन अपान एन माइनस वन गामा माइनस वन अपान गामा टी टू माइनस टी थ्री और माइनस टी वन माइनस टी फोर हो जाएगा। तो ये आपका सीओपी का फाइनल फार्मूला है। अगर हम इक्वेशन PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से सीओपी की वैल्यू फाइंड करें। अब यहां पर एक चीज हम ये सोचते हैं, अगर ये n और गामा इक्वल दिए हो तो क्या होगा, यदि
एन इज इक्वल टू गामा, तो उस केस में ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, और फाइनल सीओपी का जो इक्वेशन होगा सीओपी इज इक्वल टू टी वन माइनस टी फोर अपॉन टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी फोर, ये आपके सीओपी का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा अगर एन और गामा इक्वल हो तो। अब इसके बाद यहां पर भी हम आपका टेम्परेचर और प्रेशर में जो रिलेशन इससे पहले यूज किए थे, आपका आया था टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, तो अगर हम गामा की जगह एन ले लेते हैं तो आपका रिलेशन क्या चेंज हो जाएगा, टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर आपका यहां पे हो जाएगा एन माइनस वन अपॉन एन एंड टी थ्री अपॉन टी फोर के लिए क्या हो जाएगा, टी थ्री अपॉन टी फोर इक्वल टू पी थ्री अपॉन पी फोर की पावर एन माइनस वन अपॉन एन। तो ये सब रिलेशन जो है ये सब आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका बेल पॉलीमर साइकिल का पूरा डिटेल में विद सीओपी हमने सब कुछ बता दिया। इन सीओपी के फार्मूले का, इस फार्मूले का, इस फार्मूले का, और जनरली हम इस और इस फार्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन का भी यूज हम न्यूमेरिकल में करते हैं। तो यहां तक देखिएगा, नेक्स्ट टाइम पे आगे का हम बताते हैं।